नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि सुपर 100 कार्यक्रम के तहत आईआईटी में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान में पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस बार 26 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास की है और हरियाणा सरकार ने 2018 में सरकारी स्कूल के प्रतिभावान छात्रों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया था। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से प्रदेश हमारी आशाओं के प्रतीक युवा शक्ति इस देश की भविष्य की बागडोर को ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ाने वाले मेरे नौजवान साथियों, होनहार विद्यार्थियों, आज बहुत ही एक खुशी का ये प्रसंग है कि एक प्रतिभा वो हमारे सामने बैठी है। वो प्रतिभा जिसको तलाशने और तराशने की बात महावीर जी ने की है, ऐसे सब बंधु इस वर्ष के ऐसे जो प्रतियोगी हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 जिन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसी प्रकार से जो आईआईटी जेईई जेईई एडवांस परीक्षा 2021 इसके जो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सफल ऐसे प्रतिनिधि हैं आज वो यहाँ आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके माता पिता, उनके शिक्षक और ख़ास करके हमारी जो सुपर 100 के माध्यम से जो आईआईटी जेईई के एडवांस 2021 के जो यहाँ प्रतिनिधि चुन करके आए हैं उनका श्रेय तो मैं निश्चित रूप से हमारे सुपर 100 के अग्रणी जो हमारे शिक्षक हैं जो सारे इस विषय को देखते हैं श्री नवीन मिश्रा जी, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे हमको ये सफलता मिली है निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माता पिता को, हमारे शिक्षकों को भी जाता है और इसका वातावरण न केवल अपने गांव और शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी ये जाता है कि कौन से प्रदेश के कितने जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके आगे इस कदम पर, इस सफलता पर आगे बढ़े हैं, उसका जो नाम है उस प्रदेश के नाम को भी ऊंचा रोशन करता है। हम तो सीएम मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि शिक्षा नीति छात्रों के लिए फायदेमंद होगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति 5 साल पहले ही लागू कर देगी। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो देन थी उस पर वही छाप पड़ी हुई थी, मैकाले की शिक्षा, लेकिन इस देश के साथ जुड़ करके चलने वाली देशभक्ति की भावना, मानव हित में काम करने वाले लोग और कहीं अपने देश की अलग पहचान बना करके आगे चलने वाले लोग, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, तो बहुत सी चीज़ें बदल करके और स्व की भावना ज़्यादा पैदा हो, इस नाते से उसके अंदर बहुत से आयाम खड़े किए हैं। 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी शिक्षा में बहुत कुछ होता है। नैतिकता, मोरालिटी, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें भी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो उसका जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो घोषित की है, लक्ष्य तो रखा गया कि देश भर में 2030 तक इस पॉलिसी को हम लागू करें। हमारी टीम ने बैठ करके विचार किया, सब पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रश्न आया कि 2030 ही क्यों। सबने बड़े उत्साह से, बड़े एक दृढ़ निश्चय से तय किया 2030 नहीं, हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, 5 वर्ष पहले लागू करेंगे, क्योंकि कोई चीज कठिन नहीं होती है, काम करने के मन में प्रेरणा होनी चाहिए।